है बताने का प्रयास करती हूँ। तो मैं आज हल्दी के बारे में बताती हूँ और अपने ये आरसीएम का हल्दी, बाजार का हल्दी के बारे में तो सभी को पता है, काहे कि हम लोग उस चीज से गुजर चुके हैं, वो चीज यूज कर चुके हैं। तो मैं अपने ये बिजनेस आरसीएम के बारे में, हल्दी के बारे में बताना चाहती हूँ। आरसीएम का के हल्दी द्वारा बनाए गए हल्दी पाउडर शुद्ध हल्दी से बनाया गया है और इसमें बिल्कुल प्राकृतिक सुगंध स्वाद है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी रंग नहीं डाला गया है। आरसीएम टर्मरिक हल्दी पाउडर को लैब में टेस्ट किया गया है और इसकी गुणवत्ता की जांच करके ही इसे आरसीएम द्वारा बनाया गया है और बाजार में लाया गया है हमारे इस बिजनेस में। यह आपको आरसीएम पिकअप सेंटर पर आसानी से सस्ते दामों में उपलब्ध है, मिल जाएगी। और इस हल्दी पाउडर से कई लाभ हैं। यह खाने को एक अच्छा रंग देता है, साथ ही साथ यह हमारे स्वास्थ्य को भी समृद्ध देता है। इस हल्दी पाउडर यह हल्दी पाउडर से बहुत लाभ है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, हल्दी कैल्शियम एक स्रोत स्रोत माना जाता है। यदि किसी किसी यदि कभी किसी कारण वश हमारी हड्डी टूट जाए तो यह हम दूध में हल्दी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसलिए हमको इस आरसीएम का हल्दी पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। घाव ठीक करने में यह सहायक देती है। हम सब ने देखा है कि जब भी हमको कोई भी चोट लग जाती है तो हम सब उस पर जल्दी से हल्दी ही लगाते हैं और हमारा ब्लड भी रुक जाता है। अगर चोट लगा, ब्लड बहने लगता है तो हल्दी का उपयोग करते हैं। हल्दी जहां रखे तहां ब्लड बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्दी में और एंटीसेप्टिक गुण अधिक पाए जाते हैं। आरसीएम हल्दी पाउडर को भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे की सुंदरता बनाने के लिए भी यह हल्दी बहुत ही अच्छा है। चेहरे को निखारने के लिए हल्दी अच्छा है और यह चेहरे को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करता है। हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आरसीएम हल्दी पाउडर में किसी भी प्रकार का कोई अन्य रंग एवं केमिकल से रहित होने के कारण इसमें हमें चेहरे पर भी लगा सकते हैं, इसको हम अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। हल्दी को चेहरे को रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, हल्दी हमारे ये जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। यदि हम इसका सेवन दूध के साथ करें तो यह शरीर को बीमारियों से दूर कर रखता है। हम आरसीएम हल्दी पाउडर के सेवन दूध के साथ कर सकते हैं। बवासीर में भी यह सहायक होता है। हल्दी का प्रयोग बवासीर को दूर करता है। हम हल्दी के साथ सरसों का तेल मिलाए और मसलों पर लगाए, हमको यह आराम देता है। पीलिया से भी यह आराम देता है। यह एक ऐसी देसी बीमारी है जो आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकती है, इसलिए हम हल्दी के साथ हरे लौंग भस्म चीजों मिलाकर इसे घी और शहद के साथ सेवन करने से पीलिया से राहत देता है। डायबिटीज में भी यह लाभकारी है। हल्दी डायबिटीज के लिए भी यह लाभकारी है। अगर हम हल्दी को आंवला के रस और शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम ले तो डायबिटीज से भी आराम मिलता है। इस बीमारी से बचने के लिए हमको आरसीएम हल्दी पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। यह सूजन में आराम देता है, कम करने में भी हल्दी का योगदान है। इसमें हल्दी, जीरा और अन्य चीज को भी मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से भी सूजन कम होती है। आंखों में दर्द से आराम देता है। आंखों में दर्द या किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर हल्दी का प्रयोग हमको आराम दे सकता है। हल्दी का प्रयोग करने से हमको आराम दे सकता है। हल्दी को पानी में डालकर उबाल ले, अब इस पानी को छान ले और इसमें अपनी आंखों को धोए, जल्दी से ही हमको दर्द से आराम मिलेगा। जैसे ही हम कहा आरसीएम हल्दी पाउडर को निकल आरसीएम हल्दी पाउडर के से और तो हम पानी को आसानी से आंखों में डाल सकते हैं। छान कर अगर डाले तो उसको हम पानी में को आसानी से आंखों में डाल सकते हैं। पायरिया में सहायक, मसूड़ों से खून निकालने का एक समस्या है, इसमें हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और हम हल्दी सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों में मालिश कर सकते हैं। इससे मसूड़ों को भी रोग दूर हो जाता है, मसूड़ों का भी रोग दूर हो जाता है। पेट दर्द से आराम, पेट के दर्द को दूर करने में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हम हल्दी को पानी में उबाल ले और गुड़ मिलाकर
पी ले, गुड़ मिलाकर पी ले, इससे पेट में आराम मिलेगा। इसलिए हमको आरसीएम हल्दी पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। दाद खुजली के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। दाद और खुजली के लिए भी हल्दी का प्रयोग होता है। हम दाद खुजली वाली जगह पर हल्दी के साथ तब साथ नीम का लेप लगाए तो यह हमको राहत देता है। या खांसी को भी यह ठीक करने के लिए है। हल्दी को पीस कर चूर्ण बना लेने से और शहद के साथ लेने से खांसी भी ठीक हो जाती है। यह हमने देखा आरसीएम हल्दी पाउडर के कुछ लाभ जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है। इसका प्रयोग करने से हम स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इतने लाभों को जानने के बाद हम विश्वसनीय रूप से आरसीएम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरसीएम हल्दी पाउडर को कोई आरसीएम हल्दी पाउडर के कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आरसीएम हल्दी पाउडर में कई भी प्राकृतिक रंग नहीं है। साथ ही इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाले गए हैं और इसकी इसकी क्या है खुराक को आसानी से 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम चिकित्सा से भी राय ले सकते हैं। और आरसीएम हल्दी पाउडर का MRP 53 रुपये है। आरसीएम की हल्दी पाउडर DP प्राइस 42 रुपये है और इसका BB हमको 25 मिलता है। और क्या है कि और थैंक यू मैम, और कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा समय हो रहा है। थैंक यू, जय आरसीएम।